देखते हैं बस नहीं ट्रेन मिलेगी कि नहीं। Hey guys, देखो माता रानी जी के दर्शन यहीं से हो रहे हैं हमें। जय माता दी। यात्रा शुरू हो चुकी है और आपकी जी ये देखो ये है असली हार्ड वर्क गाइस। थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त कर पहुंच चुके हैं जो पे हर एक गेड़ रहे हैं। और ये माता रानी जी क्या देखिए भाई लाइन बहुत ज्यादा लंबी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने आज की लाइव वीडियो में कहा था कि मैं शाम को लाइव नहीं आऊंगी क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम हो चुके हैं रेडी, बैग कर लिया है पैक, तो चलो मिलकर हमारे साथ। कितने बड़े बड़े पैक किए हैं तो मतलब हमारी यात्रा बहुत दूर की है, इसलिए पूरी यात्रा आप सबने हमारे साथ करनी है। चलो अभी सस्पेंस रिवील कर ही देती हूँ, तो हम सभी जा रहे हैं वैष्णो माता। बोलिए सभी माता रानी की जय। फाइनली गाइस हमारी सवारियाँ सारी पहुँच चुकी है गाड़ी में, हम अपने इलाके से लेकर पठानकोट तक जाएंगे गाड़ी में और फिर हम सभी जाएंगे छुट छुट ट्रेन में। सो फाइनली गाइस अब हम पहुँच चुके हैं पठानकोट जहाँ से हम लेंगे अपनी ट्रेन। सो फाइनली गाइस हम पहुंच तो चुके हैं रेलवे स्टेशन क्योंकि लेट हो गया हम। मैं सबसे आगे चली हूँ, बाकी सारे पीछे हैं। देखते हैं बस नहीं ट्रेन मिलेगी कि नहीं। जैसे ही हम यहाँ पे स्टेशन पे पहुंचे इतनी दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे कैसे फाटक को क्रॉस करके और जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन कितने बजे आनी है, 12 बजे मतलब 12-1 बजे ट्रेन आएगी। और अभी टाइम और अभी कितने बजे, अभी 6 बजे। इतना सारा टाइम हम पहली बार स्टेशन पे कैसे स्पेंड करेंगे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी हमें ना हमारे आगे एक मालगाड़ी दिखाई दे रही है, तो अब हम सभी सोच रहे हैं कि चलो क्यों ना इसी में जाया जाए और छाया 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 किया चल जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे और इसका डर लग रहा है माड़ा माड़ा डिलीशियस खाना हमारा तैयार है। हम लेके आए थे आलू चढ़ाई चढ़ते रहे खाने के लिए और हमें फ्लैट सरफेस पे हमें रूम में बैठ के ये सब खाना पड़ रहा है। कुछ ऐसा नजारा है हमारा। और ये हम आलू गोभी की सब्जी लेके आए हैं और इसमें मैंने 3 मिर्ची डाली है जिसे देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और ये भी हमारी सब्जियाँ हैं और ये हमारा अचार है। ऐसे लग रहा है कि हम महीने भर के लिए जा रहे हैं। सब हम टूट पड़ेंगे इसीलिए आपको इतना ही दिखाएंगे। आप पहाड़ों में पिकनिक मनाने जाते हो ना, हम रेलवे स्टेशन में पिकनिक मना रहे थे। गाइस पहली बार मैंने खीरे का मटर होते हुए देखा है इस महानुभाव के हाथों। मटर हुआ खीरा खा लो। गाइस स्टेशन पे सोने की फीलिंग भी ले रहे हैं हम, वैसे तो हम वेटिंग हॉल में सोए हैं नीचे चादरें डाल के। गाइस रात के 11 बज रहे हैं, हमें चैन नहीं। मेरी बहन दो चादर ओढ़ के सो रही है, मेरे पापा को नींद आ रही है और मेरे नींद गायब हो रही है। पठानकोट कैंट से हम निकलने वाले हैं और यहाँ पे ट्रेन आती जा रही है बट हमारी वाली अभी नहीं आ रही है। नींद वाली बात थी मेरी। इस रात के 2 बजे बन चुकी है कंचना 2 कंचना 3-4 सारी आ चुकी है मुझ में। और मेरे ये जो देख रहे हैं आप ये मेरे पिता श्री हैं, पूरा अपना रोल निभा रहे हैं। तो कान खा लिए, ये हड्डी जोर से कू कर रही है कि कान के पर्दे क्या हम भी हिल गए, हमारी नींद उड़ गई, रातों की नींद दिन क्या चैन हराम कर दिया। बहुत लंबे इंतजार के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारे यात्रीगण घुस चुके हैं। वैसे तो दोस्तों हम कई बार गए हैं जनरल डब्बे में बट ये वाला जनरल डब्बा कुछ ज्यादा स्पेशल था जिसपे हमारा हाल कुछ ऐसा था। एकदम ऑसम है यार, बड़ा ही मस्त व्यू है। पर दोस्तों ये पूरा डिब्बा मुझे लग रहा है यहीं पे खाली हो जाएगा। वाह भैया वाह, क्या गाइस देखो माता रानी जी के दर्शन यहीं से हो रहे हैं हमें। हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है चढ़ाई करने के लिए। सो गाइस अभी आप ये जो रश देख रहे हैं ये सारी की सारी जनता जनार्दन, ये सारे श्रद्धालु माता रानी की दरबार में जा रहे हैं। तो सभी बोलिए माता रानी की जय। माता रानी जी के दरबार में जाने के लिए हमें सबसे पहले को हमारे आईडी कार्ड मिल चुके हैं, मतलब माता जी ने हमें अपने पास बुलाने की फाइनल बच्ची दे दी है। और दोस्तों देखिए माता रानी जी के दरबार का जो रास्ता है, यहाँ पे जो हमने सर पे चुन्नियाँ बांधी हुई है ना जय माता वाली, वो लोग सभी आके वापस आके उनकी यात्रा सफल हो जाती है तो यहीं पे हैंग कर जाते हैं।
और अभी देखिए कितनी लंबी लाइन लगी। ये लाइन चेकिंग के लिए लगी है क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु हैं तो सबकी चेकिंग होना भी जरूरी है ताकि सबकी सेफ्टी बनी रहे, सबकी सुरक्षा सबके साथ। मेरे पापा थोड़े हेल्दी है ना, तो इनको देख के लोग आ रहे हैं कि ये आप ये कर लो वो कर लो, पर इनको क्या पता मेरे पापा सुपरमैन है। ये बारह बार मणिमहेश की चढ़ाई चढ़ के आए हैं। शुरू है और हमारी अब पेट पूजा भी शुरू है। सबसे पहले आ जाता है लंगर का रास्ता। तो गाइस लंगर में एंट्री करते ही हमें बहुत ज्यादा डिलीशियस, बहुत ज्यादा टेस्टी माता रानी का प्रसाद मिला है। दोस्तों श्रद्धालु गणों की यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारी आवाज किधन से समझ जाए कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं। ये देखो रबर प्लांट कितना ऑसम लग रहा है, ये रियल का है। अभी हमने चढ़ाई चढ़ने की थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है और स्पीड पकड़ते ही पसीनो पसीनो हो चुका है हमारा मुंह। ये भी है। हमारे श्रद्धालु गणों ने डंडे देना शुरू कर दिए, डंडों का सहारा ले रहे हैं अभी ये। और आपकी जीती भी कम नहीं है। और से बोलो भी हो, श्रद्धालुओं की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम हैं आसमान की ऊंचाइयों पे। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ ढेर सारे श्रद्धालु गण हैं। ये देखो ये है असली हार्ड वर्क। मुझे हम से पैदल ऐसे ही नहीं चला जा रहा, ये इतने हैवी हैवी लोगों को उठा के चले हुए हैं। वेरी वेरी मच। एक ये भी है, चार लोगों ने उठाया बस। नहीं, पहली बार हमारे भ्राता श्री ने हमें फ्रूटी पिलाने की कोशिश की है। बहुत बार की है। और गाइस हम सबका कुछ ऐसा सीन है कि हम नॉन स्टॉप नहीं चल रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमें वापस भी आना है पैदल यात्रा करके ही, इसीलिए हम रेस्ट कर करके चल रहे हैं। सभी हमारे श्रद्धालुगण कुछ इस तरीके से रेस्ट कर रहे हैं और हमारी शक्लें उतर गई समझ सकते हैं आप सभी। हमारी हालत थोड़ी सी टाइट हो रही है, बट कोई बात नहीं, सारी थकान दूर हो जाएगी हमारी प्यारी सी माता को देख के। दोस्तों अभी ऊपर और नीचे के वेदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। बादलों के ऊपर आ चुके हैं और बादल हमारे नीचे हैं, और वहाँ से हम आए हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। मे भी हमने 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ ली है, 5 चढ़ लिया है नॉन स्टॉप। हमने 5 किलोमीटर चढ़ लिया, अब आगे देखो भाई क्या बनता है हमारा। फिलहाल तो ये बना हुआ है, भी तो शरीर भी थोड़े हालत थोड़ी सी हो रही है। मधुकुआरी मंदिर पहुंचने वाले हैं, वहां पर बैठ के माता जी ने तपस्या की थी, मतलब वहां पे गुफा में वास किया था, वो हम देखेंगे अभी। दोस्तों इतना सारा ट्रैक तय करने के बाद, इतनी यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अधिकारी माता जी के मंदिर में। तो सारे बोलो जय माता दी। और अभी फिर से वेदर फॉगी सा हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो इसी बात पे सभी बोलो जय माता दी। गाइस हम पहुंच चुके हैं अधिकारी माता जी के मंदिर में और हमारी हालत कुछ ऐसी है कि बोला हमसे जा नहीं रहा, सहा हमसे जा नहीं रहा, चला हमसे जा नहीं रहा, आंखें हमारी खुल नहीं रही, दर्शन हमने करने हैं पर माता जी हमें बुला लेंगी, हम जरूर करके ही जाएंगे। आधे श्रद्धालु हमारे यहाँ लोट पोट हो गए हैं, आधे वो चढ़ गए हैं रेलिंग के ऊपर। और दोस्तों थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमने पॉपकॉर्न खाए और अभी हम खाने वाले हैं बादाम और काजू, जो कि हम घर से ही लेकर आए थे क्योंकि हमें पता था कि हम पैदल यात्रा करेंगे जिसमें हमारी ढेर सारी एनर्जी लगे।
सबके अजीबोगरीब चेहरे देख लो। फाइनली गाइस आज कुंवारी माता जी के टॉप पे चढ़ चुके हैं हम, और यहाँ से नीचे का सारा व्यू दिख रहा है, बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि इतना बड़ा रास्ता हमने 11 नंबर की गाड़ी से चढ़ लिया है, मतलब अपने पैरों की सहायता से। वेल डन। ये देखो गाइस, चाकू तो वैष्णो माता आते ही रखवा लिया, पर चम्मच देखो भाई। दोस्तों पहले हमने सोचा था कि हम माता रानी जी के दर्शन करेंगे अधिकारी माता जी के, बट अभी देखो यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमने पर्ची कटा ली है, हम रात को आते टाइम दर्शन करेंगे। ओके, बट इससे पहले हम चलेंगे अब वैष्णो देवी। और दोस्तों अभी आई है असली वैष्णो माता की चढ़ाई, देखो ये तो एकदम सीधी सीधी सी है, और इसे चढ़ते टाइम हमारी हालत कुछ ऐसी है। मैं और सिमरन सबसे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग तो बेचारे पता नहीं बेहोश ही हो गए हैं, इसीलिए हम बिल्कुल आराम आराम से चले हुए हैं ताकि हमें कोई भी तकलीफ ना हो, और इसीलिए हम माता रानी के दर्शन कर सकें। गाइस लिटरली मंदे हाल हो चुके हैं, मतलब क्या ही कहें, मेरा डंडा भी मेरे हाथ से जा रहा है। सिम्मी, मेरा डंडा भी मेरे हाथ से जा रहा है। हम ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हर एक पॉइंट पे स्मोकी वेदर हो चुका है। गाइस अब जैसे हम धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे हैं, हमारी भूख बढ़ रही है, इसीलिए हमने एक बर्गर खाया, उसके दो हिस्से किए, क्योंकि वो बर्गर 70 रुपीज का था, तो तेरा भी आ रहा है। हाँ 70 रुपीज का एक बर्गर है। निकले ढेले। और देखो कुछ इस तरीके से बर्गर को खाया जा रहा है। यहाँ पे टिक्की दिखाई जाए यहाँ की, ये देखो टिक्की काफी बड़ी है, टेस्टी भी है, और अब ये बर्गर खा रहे हैं गाइस। दोस्तों अब हमें गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है, क्योंकि पूरा ठंड का माहौल है यहाँ पर। अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ठंड इतनी ज़्यादा लग नहीं रही, बट अगर हम थोड़ा सा अगर कहीं रुकेंगे तो ठंड काफ़ी हद तक हो चुकी है यहाँ पे। और भाई एरिया भी एकदम कंजस्टेड है, और ये घोड़े वाले तो सच में क्या ही कहें इनके बारे में, इतने मोटे मोटे बंदों को बिठा के इन पर जुल्म कर रहे हैं। देख लो भैया आपके सामने ये नज़रिया। मेरी तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप आते हैं तो 11 नंबर की गाड़ी से आए, नहीं तो घर पर रहे कृपया करके, वहीं से माथा टेक के माता रानी को जय जय कर दे, क्योंकि हमने इनकी कंडीशन अपनी आंखों से देखी है, बेचारे इतने ज़्यादा हाँफ रहे हैं, और जब ये चल नहीं पा रहे हैं तो उनको मार रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी बैड। और इससे पुण्य तो क्या बल्कि उल्टा कई गुना दुख ही मिलेगा हमको। फाइनली दोस्तों हम वैष्णो माता जी के पास पहुँचने वाले हैं, प्रसाद का बोर्ड हमें मिल चुका है, बस थोड़ी ही देर में हम माता रानी के पास पहुंच जाएंगे। फाइनली हमारे श्रद्धालुओं में सच में बहुत ज्यादा श्रद्धा है, फर्स्ट टाइम हमारे ये छोटे मोटे श्रद्धालु आए हैं, और इन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ पूरी यात्रा को निभाया, ना घोड़े का साथ लिया ना पालकी का साथ लिया, अपने दो टांगों का साथ लिया और यहाँ तक पहुँचे हैं, सो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में, और हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे माता रानी के दर्शन कर, और ये रहे हाँ, और ये माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए लाइव में, क्योंकि अंदर तो फोन की एंट्री होती नहीं है। फॉग क्लियर हो चुकी है, और देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ का नजारा, कितना ज्यादा प्यारा है हमारी माता का दरबार। तो चलो अब दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो फाइनली गाइस हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, हम फटाफट से रेडी हुए नहा धो के, बढ़िया तरीके से हमने माता रानी के दर्शन किए। सच्ची यार दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिला ना, कि जितनी भी थकान थी वो सारी माता रानी को देख के दूर हो गई, और मन एकदम शांत पवित्र हो गया। और अभी माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हम भैरवनाथ घाटी जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी ने कहा था जब तक भैरवनाथ में जाके आप दर्शन नहीं करके आते हो, तब तक आपका दर्शन आपकी यात्रा असफल मानी जाएगी। तो इतनी दूर का सफ़र करने के बाद 2 किलोमीटर का सफ़र हम और करेंगे, और फिर हमारी यात्रा डन। प्लीज़ अभी हमने ना जस्ट इससे 10-15 मिनट पहले दर्शन किए हैं, और अभी देखो इतना ज़्यादा रश हो गया है, बेहिसाब। थैंक गॉड माता रानी ने हमारा बहुत साथ दिया, सच्ची थैंक यू माता रानी।
अब हम जा रहे हैं, जल्दी से बुलाना हमें। अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं पेट पूजा। गाइस अभी जब हम भैरव मंदिर के लिए जा रहे हैं तो भाई पीछे देखो माता रानी जी का दरबार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, लाइटिंग में एकदम प्यारा नजारा लग रहा है। और दोस्तों अभी हम सब ने डिसाइड किया है कि हम बिल्कुल स्लोली 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 चलेंगे, क्योंकि हमारी टांगे जवाब दे चुकी हैं। हमारा मन कह रहा है कि हमसे नहीं चढ़ा जाएगा, फिर भी हम कठिन परिश्रम करके चढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो पूरे 12-13 किलोमीटर का जो हमने इतनी लगन से सफर किया था वो असफल हो जाएगा। तो सभी बोलो जय माता दी। क्या बोलो? जय माता दी। देखा इसके कैसे छक्के छूटे हुए हैं, छक्के तो वैसे मेरे भी छूटे हुए हैं। ऐसी है कि ये चढ़ाई भी एकदम खड़ी है और सांस हमारी उसके ऊपर लेट गई है, इसीलिए सांस ही आ रही है, बातें हो नहीं रही है, तो इसीलिए भाई आपसे बात नहीं हो पाएगी। अब ऊपर जाके बात करेंगे। और ठंडी का मौसम आ चुका है, मैंने तो छोल ओढ़ लिया। दो श्रद्धालु बड़े चाह से गए 150 पैड़ियां चढ़ने, पर जैसे ही देखी मेरे मुंह से निकल गई मोए मोए, अब हो गया इनका असली मोए मोए। भैरव बाबा के मंदिर की चढ़ाई तो कर ली है, पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और उनमें अब हम भी शामिल हो चुके हैं। ये देखिए भाई लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। गाइस भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को लग पड़ी है ज्यादा वाली ठंड, तो सभी आ चुके हैं, कुछ शॉल में आ चुके हैं, कुछ ने कोटे पहन लिया और ये इसने खोल दी और बॉडी बिल्डर ने भी कोटे पहन लिया और वहां पर भी श्रद्धालुओं ने कोटे पहन लिए। गाइस अब रात के टाइम पे हम अर्धकुंवारी माता पहुंचेंगे और वहां उतर के दर्शन करेंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे क्या प्रोग्राम है आगे का। फिलहाल यहीं पे अपना काम तमाम करते हैं, ठंड लग रही है यहाँ पे। 10 बजे कमांडर का ऑर्डर आ गया, 10 बजे अर्धकुंवारी पहुँचना है, मतलब 1 घंटे में। अब ऐसे उतराई है, उतर जाएंगे। सोचा कि अभी मैं ना आपको सबको मिलूंगी अर्धकुंवारी मंदिर में, बट वैसे ही मेरे पिताश्री ने प्लान बना लिया कि हम ना अब डॉल पे डांस करेंगे। बिकॉज हमारी यात्रा हो चुकी है सफल, सो लेट्स डांस। आओ सारी देवियां नाचो। ये देखो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, तो ये देखो बंदर अपनी फैमिली के साथ कैसे सोए हुए हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। दोस्तों जैसे ही हम अर्धकुंवारी माता जी के मंदिर में पहुंचे तो हमने फटाफट जगह संभाल के सोने वाली की, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी हम नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे और ट्रेन लेंगे और फिर जाएंगे घर की तरफ। और गाइस हम फिर से पहुंच चुके अपने रबर प्लांट के पास। सो गाइस ये रही बाण गंगा जी और यहाँ पर हमारे पिताजी वगैरह स्नान कर रहे हैं और बहुत ही ठंडा पानी और बहुत ही प्यारा सा नजारा है। पैरों की हालत देख के आपको समझ आ गई, आ ही गया होगा कि कैसी कंडीशन थी। मेरे पैर लिटरली यहाँ से पक चुके हैं, बट जो भी हो मजा बहुत आया। फिर हमें ट्रेन मिली नहीं तो हमने एसी बस की टिकट ली और सीधा पहुंच के पठानकोट, और फिर वहां से बस ली और सीधा पहुंच के अपने जसूर वाले एरिया में। बट हमने सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठने का ऑप्शन लिया, वो भी HRTC बस में, तो बस उछल उछल के पहुंची जसूर। इसी के साथ होती है हमारी यात्रा सफल। अगर आपको वैष्णो देवी का ये ब्लॉग अच्छा लगा